कई बार ईर्षा, द्वेष, चुगली और बदनामी करने वाले लोग दुश्मनों से ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। खास करके इस कलियुग के अत्यंत क्लेश भरे काल में ऐसे लोग आपको नीचा दिखाने में किसी भी मार्ग, जैसे कि जादू टोना, तांत्रिकी प्रयोग, हाय, शाप इत्यादि से आपको हानि पहुंचाने की तीव्र इच्छा रखते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को अपने रास्ते में से हटाने के लिए या उन्हें नष्ट करने के लिए इस वीडियो में मैंने जैन धनुर्विद्या तंत्र के में वर्णित एक महाशक्तिशाली मंत्र के बारे में बताया है। इस मंत्र के बारे में मैंने कुछ साल पहले एक वीडियो में जानकारी दी थी, लेकिन हमारे नए दर्शकों के लिए मैं इस विद्या के बारे में फिर से बता रही हूँ, क्योंकि इस मंत्र का प्रयोग करना बहुत ही सरल और आसान है। इसीलिए यह कोई भी दुष्ट और ईर्ष्यावादी लोगों, गुप्त शत्रुओं और दुष्ट प्रतिद्वंदियों से परेशान व्यक्ति इसका बिना परेशानी से प्रयोग कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस मंत्र का जरूरत के अनुसार कभी भी यानी किसी भी दिन, किसी भी समय प्रयोग किया जा सकता है। साधक को ऐसे लोगों का एक पल स्मरण करके आगे बताए हुए मंत्र का तीव्रता और इच्छा शक्ति से 27 बार जाप करना है। यह एक शीघ्र फलदायी मंत्र है, इसीलिए आत्मविश्वास के साथ इसका प्रयोग करें, आपको 100% लाभ होगा। और एक बात सुनिए, इस मंत्र के साथ किसी भी प्रकार की पूजा विधि, अनुष्ठान, दिशा, आसन माला संबंधित नियम और बंधन जुड़े हुए नहीं है। मंत्र ओम धनु धनु महा धनु स्वाहा। ओम धनु धनु महा धनु स्वाहा। ओम धनु धनु महा धनु स्वाहा। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।